इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं रेडिसन ब्लू, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चलिए आज सुबह की कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी कल बंगाल और उड़ीसा में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम ने टीएमसी पर किया हमला का संदेश खाली की महिलाएं न्याय मांग रही हैं, लेकिन टीएमसी ने उन्हें बदनाम किया। बूढ़े हादसा में नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मिजोरम में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान ढहने से 17 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में फंसे। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को झटका, आरोपी विभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कांग्रेस का भाजपा परिवार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों की निगरानी में राजकोट हादसे की जांच की मांग की। नागालैंड में भारी बारिश के कारण 4 लोगों की मौत, 40 से अधिक घरों को हुआ नुकसान। पुलिस की गिरफ्त में 2 शख्स, प्रज्वल के वीडियो वाली पेन ड्राइव को लोगों में बांटने का है आरोप। तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बीआरएस ने गंवाए 15 निकाय, ग्रेटर हैदराबाद की मेयर ने भी छोड़ा साथ। संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में घिरे टीएमसी के निष्कासित नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल सीबीआई ने शाहजहां शेख, उनके भाई और 5 अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश करने की धाराएं लगाई। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा रेमल से बेपरवाह टीएमसी ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। नए रिकॉर्ड बना रही चार धाम यात्रा, गंगोत्री में 39 तो यमुनोत्री में 49% बढ़ गए यात्री। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौके पर हुई मौत। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने फिलिस्तीन को देश के रूप में दी मान्यता, इसराइल ने की स्पेन के पीएम की आलोचना। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य, PhD MPhil करें अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। चुनाव के बाद नई जगह शिफ्ट होने की अटकलों पर पीएम ऋषि सुनक ने लगाया विराम, कहा ब्रिटेन ही मेरा घर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने स्वीकारी गलती, कहा हमने भारत के पूर्व पीएम अटल जी के साथ किए समझौते का उल्लंघन किया। पापुआ न्यूगिनी में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें, राहत बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार की। उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका, हवा में ही फटा जासूसी उपग्रह को ले जा रहा रॉकेट। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पर पीएम शेख हसीना का निशाना, कहा हम लंदन से वापस लाकर उसे सजा दिलाएंगे। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में बांग्लादेश की पुलिस कर रही है पड़ताल, फ्लैट के सेप्टिक टैंक में मिले मांस के टुकड़े और बाल। कैचीधाम मंदिर के पास जंगल में लगी भीषण आग, आबादी की ओर बढ़ रही है आग। मुंबई के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 60 डब्बे, गुजरात का ट्रेन यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें निरस्त। राजस्थान के चूरू में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 50 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। हरियाणा के सोनीपत में बेल्ट बनाने वाले फैक्ट्री में लगी आग, कुछ लोग घायल हुए। गुजरात में अवैध रूप से चलने वाले सभी गेम जोन के मालिक के खिलाफ दर्ज होगी FIR। भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात, असम में बह गई रोड, अरुणाचल में रेड अलर्ट। मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण ढह गई खदान, 22 लोगों की मौत, CM लाल डुहोमा ने बुलाई बैठक। ओडिशा में पलटी 50 यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत और 9 लोग घायल, पीड़ितों की मदद कर रहा प्रशासन। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए
रिदम ऐप को डाउनलोड करें।